स्वागत है आपका मीना की आवाज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे पूर्व डीजीपी और वर्तमान विधायक हरीश चंद्र मीना के बारे में। हम आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीना वर्तमान में देवली उड़ी यारा टोंग से कांग्रेस के विधायक हैं और 2023 के विधानसभा चुनावों में हरीश चंद्र मीना कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीणा 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से दौसा से सांसद बने थे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद के पद से इस्तीफा देकर हरीश चंद्र मीणा देवली उड़ियारा से विधायक बन चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति में आने से पहले हरीश चंद्र मीणा 2009 से 2013 तक राजस्थान के डीजीपी भी रह चुके हैं। डीजीपी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है और डीजीपी बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद आईपीएस बनते हैं और अगर आईपीएस अच्छे काम करते हैं तो फिर एसपी बनते हैं और एसपी से एसएसपी बनते हैं और फिर एसएसपी से आईजी बनते हैं और इसके बाद पुलिस विभाग के सबसे बड़े पद डीजीपी पर पहुँचते हैं। और प्रत्येक राज्य में मात्र एक ही डीजीपी हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2013 तक डीजीपी रह चुके हरीश चंद्र मीणा कितने बड़े इंसान हैं। और अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाएं, तो फिर देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बता दें कि हरीश चंद्र मीणा 1976 के बीच में आईपीएस बने थे और तभी से अपना हर काम ईमानदारी और सच्चे दिल से करते आए हैं। हरीश मीणा को 1996 में इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और 2002 में हरीश मीणा राष्ट्रपति अवार्ड में भी सम्मानित किए जा चुके हैं। हम आपको बता दें 2013 तक डीजीपी रहे हरीश मीणा 2014 से सांसद बनने के बाद लोकसभा में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा सवाल हरीश मीणा के होते थे। हरीश मीणा विधायक रहे हो या सांसद, हमेशा से ही सबसे ज्यादा ध्यान एजुकेशन पर दिया है। हम आपको बता दें कि हरीश मीणा रूरल डेवलप फंड का 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में एजुकेशन लेवल को सुधारने पर खर्च करते हैं। हरीश मीणा सबसे ज्यादा चर्चा में तब आ गए जब अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हम आपको बता दें कि हरीश मीणा के क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर चालक के पिटाई के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उस मौत को एक्सीडेंट बता दिया था और इसी बात पर गुस्सा हुए ग्रामीण हरीश चंद्र मीणा के पास पहुंचे थे। तो हरीश मीणा गरीब को न्याय दिलाने के लिए गहलोत सरकार के ही खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए थे और उस गरीब को न्याय दिलाकर दम लिया था, जिसके बाद से ही हरीश मीणा जनता के दिलों में बस गए हैं। और वर्तमान में हरीश मीणा भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर चुके हैं और हरीश मीणा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है कि हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी में सबसे शिक्षित और जनता की सेवा करने वाले एक ऐसे नेता हैं जो राजस्थान को एक नई दिशा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हरीश मीणा मुख्यमंत्री बन गए तो राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम एकदम बदल जाएगा। तो ये थे राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि हरीश मीणा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल मीना की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।